माता सबरी की कथा एक भक्ति कथा। बात भगवान राम के जन्म से पहले की है, जब भील आदिवासी कबीले के मुखिया अज के घर में बेटी पैदा हुई थी। उसका एक नाम श्रमणा और दूसरा सबरी रखा गया। सबरी की माँ इंदुमती उसे खूब प्यार करती थी। बचपन से ही सबरी पशु पक्षियों की भाषा समझकर उनसे बातें करती थी, और जब सबरी की माँ उसे देखती थी तो कुछ समझ नहीं पाती थी। कुछ समय बाद एक पंडित ने सबरी के परिवार को बताया कि वो आगे चलकर सन्यासी बन सकती है। इस बात का पता चलते ही सबरी के पिता ने उसका रिश्ता तय कर दिया। जैसे ही शादी का दिन नज़दीक आया, सबरी के घर वालों ने खूब सारी बकरियां और अन्य जानवर घर के पास लाकर बांध दिए। एक दिन सबरी की माँ जब उनके बाल बना रही थी तो उसने माँ से पूछा, इतने सारे जानवर हमारे घर क्यों लाए गए हैं माँ? माँ ने जवाब दिया, बेटी तुम्हारा विवाह होने वाला है, इसलिए हम लोगों ने इनका इंतजाम बलि के लिए किया है। तुम्हारी शादी के दिन ही बलि प्रथा होगी और फिर इनसे स्वादिष्ट भोजन बनाकर सबको परोसा जाएगा। यह सब सुनकर सबरी दुखी हो गई। काफ़ी देर तक सबरी ने उन जानवरों को आज़ाद करने के बारे में सोचा। सोचते सोचते सबरी के मन में हुआ कि अगर ये जानवर यहाँ नहीं होंगे तो इनकी बलि रुक सकती है। ऐसा नहीं हुआ तो मेरे घर से कहीं चले जाने पर ही यह बलि रुकेगी। जब मैं ही नहीं रहूँगी तब ना विवाह होगा और ना ही बलि प्रथा, इससे मासूम जानवर बच जाएंगे। इसी सोच के साथ जानवरों की जगह पर सबरी पहुंची। उसने सोचा कि उन्हें खोल देती हूँ, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई। उसके बाद सबरी जंगल की तरफ भागने लगी। भागते भागते सबरी ऋषिमुख पर्वत पर पहुंच गई। वहाँ करीब 10,000 ऋषि रहा करते थे। सबरी को लगा कि वो भी इसी जंगल में किसी तरह ऋषि मुनियों की सेवा करके अपना जीवन जी लेंगी। वो चुपचाप उसी जंगल में एक हिस्से में किसी तरह से रहने लगी। सबरी रोजाना ऋषि मुनियों की झोपड़ी के आगे झाड़ू लगाती और हवन के लिए लकड़ियाँ भी लाकर रख देती। ऋषि मुनियों को समझ नहीं आ रहा था कि जंगल में उनके काम अपने आप कैसे हो रहे हैं। एक दिन सबरी को किसी ऋषि ने देख लिया। उसे देखते ही उसका परिचय पूछा। जैसे ही सबरी ने बताया कि वो भील आदिवासी परिवार से संबंध रखती है तो उसे ऋषियों ने खूब डांट लगाई। सबरी को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था कि उसकी जाति छोटी है और उसे ऋषियों द्वारा जाति की वजह से अपमान सहना पड़ेगा। इतना सब होने के बाद भी सबरी हर ऋषि मुनि के दरवाजे पहुंचती और उनके आंगन में झाड़ू लगाकर उनसे गुरु दक्षिणा देने के लिए कहती। हर कोई सबरी को उसकी जाति की वजह से अपने आश्रम से भगा देता था। ऐसा होते होते काफ़ी समय बीत गया। उसके बाद सबरी मतंग ऋषि की कुटिया में पहुंची। वहां पहुंचकर मतंग ऋषि को सबरी ने बताया कि वो उनसे गुरु दक्षिणा लेना चाहती है। उन्होंने खुशी खुशी उसे अपने गुरुकुल में रहने दिया और भगवान से जुड़ा ज्ञान देते रहे। सबरी ने भी अपने गुरु मतंग ऋषि की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो गुरुकुल के भी सारे काम करती थी। सबरी से खुश होकर मतंग ऋषि ने उसे बेटी मान लिया था। समय के साथ मतंग ऋषि का शरीर बूढ़ा हो गया। उन्होंने एक दिन सबरी को अपने पास बुलाया और कहा, बेटी मैं अपनी देह त्यागना चाह रहा हूँ, बहुत साल हो गए इस शरीर में रहते रहते। सबरी ने दुखी मन से कहा, आपके ही सहारे में इस जंगल में रह पाई हूँ, आप ही चले जाएंगे तो मैं जीकर क्या करूँगी, आप अपने संग मुझे भी ले जाइए, मैं भी देह त्याग दूँगी। मतंग ऋषि ने जवाब दिया, बेटी तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, राम तुम्हारी चिंता करेंगे और ध्यान भी रखेंगे। सबरी ने राम का नाम सुनने के बाद पूछा, वो कौन है?
और उन्हें मैं किस तरह से ढूंढूंगी। मतंग ऋषि ने बताया, राम कोई और नहीं भगवान हैं, वो तुम्हें सारे अच्छे कर्मों का फल देंगे। तुम्हें उन्हें ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो एक दिन खुद तुम्हें खोजते हुए इस कुटिया में आएंगे और तुम्हें उनके हाथों ही मोक्ष मिलेगा। तब तक तुम इसी आश्रम में रहो। इतना कहते ही मतंग ऋषि ने अपना शरीर त्याग दिया। सबरी के मन में मतंग ऋषि के जाने के बाद से एक ही बात थी, भगवान राम स्वयं उससे मिलने आएंगे। वो रोज़ भगवान राम से मिलने के लिए बाग से अच्छे अच्छे फूल लाकर पूरा आश्रम सजाती और भगवान के लिए बेर तोड़कर लाती। भगवान के लिए बेर चुनते हुए सबरी उन्हें चख लेती थी ताकि भगवान को वो सिर्फ मीठे बेर ही दें। रोजाना सबरी इसी तरह भगवान के दर्शन की आस में फूल और बेर इकट्ठे करती रहती थी। इसी तरह इंतजार में कई साल बीत गए। सबरी का शरीर एकदम वृद्ध हो गया। एक दिन आश्रम के पास के ही तालाब में सबरी पानी लेने गई, तभी पास के ही एक ऋषि ने उसे अछूत कहते हुए वहाँ से भगाने के लिए कहा और एक पत्थर मार दिया। वो पत्थर जब सबरी को लगा तो उसे चोट लगी और खून बहने लगा। बहते हुए खून की एक बूंद उसी तालाब के पानी में गिर गई, तभी पूरा तालाब का पानी खून में बदल गया। ये सब होता देखकर ऋषि ने सबरी को ही डांटा और कहा कि पापिन, तुम्हारी वजह से ही पूरा पानी खराब हो गया। रोज़ ऋषि उस पानी को साफ करने के लिए अपनी कई तरह की विद्याओं का इस्तेमाल करते। कई सारे जतन करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने गंगा जैसी कई पवित्र नदियों का जल भी उस तालाब में डाला, फिर भी तालाब का पानी साफ नहीं हो पाया और वो खून जैसा ही रहा। कई सालों तक तालाब के पानी को साफ करने की कोशिश के बाद भी कुछ काम नहीं आया तो ऋषि ने थक कर सब कुछ छोड़ दिया। इस घटना के कई सालों के बाद भगवान राम अपनी पत्नी सीता के हरण के बाद उन्हें ढूंढते हुए उसी तालाब के पास पहुँचे। ऋषि मुनियों ने उन्हें पहचान लिया। भगवान को वहाँ देखकर ऋषियों ने तालाब का पानी साफ करने के लिए भगवान को अपने पैर उसमें डालने के लिए कहा, लेकिन पानी जैसे का तैसा ही था। ऋषि मुनियों ने भगवान से भी कई अन्य जतन करवाए, लेकिन वो पानी जस का तस खून जैसा ही रहा। तब भगवान ने ऋषियों से पानी के रक्त में बदलने की कहानी पूछी। तब ऋषि ने सबरी को पत्थर मारने वाली सारी बात बता दी। उसके बाद कहा, वो महिला ही अपवित्र है, छोटी जाति की है, इसलिए ये सब हुआ। उसी वक्त भगवान राम ने कहा, ये सब आप लोगों के खराब वचनों से हुआ है। सबरी को इस तरह के शब्द बोलकर आप लोगों ने उसे नहीं बल्कि मेरे दिल को घायल किया है। इसी घायल दिल के रक्त का प्रतीक यह तालाब का लाल पानी है। आगे भगवान राम बोले, कहाँ हैं वो माई, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तब तक सबरी उसी तालाब के पास पहुँच जाती हैं। इसी दौरान सबरी के पैर को ठोकर लगती है और कुछ धूल उस तालाब में गिर जाती है, तभी सारा पानी साफ हो जाता है। भगवान सबसे कहते हैं कि देखिए, आप लोगों ने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन पानी साफ नहीं हो सका। अभी सिर्फ इनके पैर की थोड़ी सी धूल ने ही तालाब के पानी को साफ कर दिया। भगवान राम को सबरी पहचान चुकी थी। उन्हें प्रणाम करके सबरी ने कहा, भगवान आप मेरे साथ कुटिया में चलिए। भगवान भी खुशी खुशी सबरी के साथ चल पड़े। फूलों से सबरी ने भगवान राम का स्वागत किया। वो सीधे बेर तोड़ने के लिए भाग गईं और चक चक कर उनके लिए बेर लेकर आईं। उन्होंने बड़े ही प्यार से भगवान राम और उनके भाई लक्ष्मण को बेर दिए।
भगवान राम ने भी उतने ही प्यार से उन बेरों को खाना शुरू किया। तभी बेर देखकर मुंह बनाते हुए लक्ष्मण ने कहा, भैया ये बेर झूठे हैं, इन्हें आप कैसे खा सकते हैं। श्री राम ने जवाब दिया, लक्ष्मण ये झूठे नहीं बल्कि बहुत मीठे हैं। सबरी माई हम सबके लिए ये बहुत प्यार से तोड़कर लाई हैं। इतना कहकर भगवान राम प्यार से उन बेरों को खाने लगे। भगवान ने जाते हुए सबरी माई से कहा, आप मुझसे जो चाहें वो मांग सकती हैं। सबरी ने उन्हें कहा, मतंग ऋषि के कहने पर मैं आज तक सिर्फ आपके दर्शन के लिए ही जी रही थी, अब आप मुझे मोक्ष प्रदान कीजिए। मैं अपना शरीर आपके सामने ही त्यागना चाहती हूँ। उसी वक्त सबरी ने अपना शरीर त्याग दिया। भगवान राम ने अपने हाथों से उनका अंतिम संस्कार किया और सीता माता की खोज में आगे बढ़ गए। तभी से भगवान राम को सबरी के नाम से भी जाना जाने लगा। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।